Hey guys, this is MHD and you are watching Travel Guide. So दोस्तों बहुत दिनों से इस पार्क में आने का मन था. वैसा ही ये पार्क भी नहीं है, बहुत बड़ा ही जगह है, बहुत दिन का जगह है, 200 से 250 साल का जगह है. बोटानिकल गार्डन आप सभी को पता ही होगा जगह के बारे में. तो यहाँ पे कैसे आना है, कितना प्राइस पड़ता है, यहाँ पे पर हेड टिकट के प्राइस में, तो पूरा डिटेल्स जानकारी के लिए वीडियो को देखते रहिए, पहले से लेकर आखिर तक वीडियो में बने रहिए. और जो जो अभी तक इस चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दीजिए ऐसे नए नए वीडियो सबसे पहले इसी चैनल में देखने के लिए. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. समय भी है बोटानिकल गार्डन के एकदम सामने, चलिए अंदर चलते हैं. यहाँ पे आके देखा पहले टिकट काउंटर जो बहुत ही अच्छे से सजा हुआ है, जिसका नीचे पूरा डिटेल्स हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. आप अगर यहाँ पे आना चाहते हैं बस से तो शिवपुर का बस पकड़ के हावड़ा से यहाँ पे आ सकते हैं, या फिर यहाँ पे बोटिंग करके भी आ सकते हैं बाबूघाट से. ये बोटानिकल गार्डन बहुत ज्यादा बड़ा होने की वजह से आप लोगों को सामने आके दिख जाएगा एक बड़ा सा मैप. आज संडे है, आप लोग भी छुट्टी के दिन यहाँ पे आइए, अपने फैमिली के साथ घूमिए. बहुत बेहतरीन और नेचर से भरा हुआ जगह है ये बोटानिकल गार्डन. 250 साल का पुराना होने की वजह से यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे बहुत ही नया नया और बेहतरीन डिफरेंट टाइप का पेड़. यहाँ पे आके घूमने के लिए अंदर इलेक्ट्रिक गाड़ियों का बंदोबस्त किया गया है, जिसका एक्स्ट्रा प्राइस लगता है. बोटानिकल गार्डन के अंदर आप लोग ऐसे ही जगह जगह पे ऐसे ही स्टैचूज, ऐसे ही जगह देख पाएंगे. गाइस हम लोग आके पहुंच गए पार्क के अंदर. बोटानिकल गार्डन सच में ही बहुत ही लाजवाब और बढ़िया पार्क है. इतना बड़ा है कि हम अभी तक पूरा 10% ही घूमे हैं, 90% अभी तक नहीं घूमे हैं. तो चलिए घूम लेते हैं ये जगह, सच में बहुत ही अच्छा लगा है, बढ़िया लगा है. तो चलिए आप लोग भी आ जाइएगा किसी एक दिन, तो चलिए घूम लेते हैं किसी दूसरा जगह, दूसरा साइड में. शायद पीछे लग रहा है समुंदर है, नहीं नदी है, सॉरी. द बोटानिकल गार्डन, लोकल लोग इस नाम को पहचानते हैं द बी गार्डन या बी गार्डन. एक्चुअली 200 से 250 साल पहले ये जगह जो था एक खाली बंजर जमीन था. उसके बाद ब्रिटिश के टाइम में इसको बनाया गया एक पेड़ पौधों लगाने के जरिए इस जगह को सजाया गया. उसके बाद जब टाइम आया विक्टोरिया का, विक्टोरिया ये जगह को लेके बहुत ही इंटरेस्टेड था, इसलिए उस टाइम इस जगह के नाम दिया गया द रॉयल इंडियन बोटानिकल गार्डन. उसके बाद टाइम जाते जाते इस जगह के अभी नाम है द आचार्य जगदीश चंद्र बोस रॉयल इंडियन बोटानिकल गार्डन. तो आप सभी को अभी पता है बोटानिकल गार्डन का स्टार्टिंग से लेकर एंड तक नामकरण कैसे किया गया. इतना ज़्यादा बड़ा होने के वजह से हमें भी थोड़ा दिक्कत आया आज के कौन सा साइड में घुमा जाए. तो घूमते घूमते मेनली वो जगह हमें मिल गया द बन्या ट्री, हाँ, जिसको बंगाली में बॉड गाछ के नाम से सभी पहचानते हैं. तो चलिए अभी सामने वो जगह देख लेते हैं. सुना है एक ही पेड़ से बहुत बड़ा जगह एकदम तैयार किया गया है, या जो बने ट्री है वो खुद ही ऐसा जगह कैप्चर कर लिया है. तो चलिए वो जगह हम लोग अभी देख लेते हैं. सो गाइस हम लोग अभी आ गए हैं बोटानिकल गार्डन का मेन अट्रैक्शन पॉइंट द बन्या ट्री. यहाँ पे आके जब देखा मतलब खुद को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक पेड़ ने, एक बन्या ट्री ने ऐसा भी कर सकता है, इतना दूर तक फैल सकता है.
यहाँ पे आके सुनाई दिया कि करीब करीब 800 से 900 मीटर तक ये जो पेड़ है फैला हुआ है। सो अभी तक हमारे चैनल में जो लोग नए हैं वो चैनल को प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ऐसे ही नए नए अपडेट्स, नए नए जगह, नए नए वीडियोस देखने के लिए सबसे पहले इसी चैनल में लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी इस जगह में आए और इस जगह में घूम सके। सो गाइस इधर बोटनिकल गार्डन को आज पूरा देख चुके हैं, पूरा नहीं देख सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा ही बड़ा है। आप लोग को पता है कि इधर बोटनिकल गार्डन कितना ज़्यादा बड़ा है, तो ट्राई किया पूरा घूमने का, पर हमें नहीं पता पूरा घूम सके या नहीं सके। और आप लोग आइए, वीडियो देखिए, मज़ा कीजिए। अगर पार्क अच्छा लगा तो आप लोग ज़रूर आइए, बहुत ज़्यादा बड़ा पार्क है। अगर आइएगा इधर तो सुबह से लेकर शाम तक का पूरा टाइम लेके आइएगा, क्योंकि इधर पार्क स्टार्ट होता है सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा डिटेल भेजते हैं हम लोग, तो चेक कर लीजिएगा उधर से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ऐसे ही नए नए अपडेट्स के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।